विस्तार राजनीतिक नियुक्तियों और जिला अध्यक्षों को लेकर हो रही मंत्रणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभारी अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश सचिव तरुण कुमार हैं बैठक में मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अजय माकन की हुई अलग से बैठक। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, बैठक में मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर हुई है चर्चा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन की अलग से भी मीटिंग हुई है। सुशांत पारिक हमारे साथ हैं। सुशांत, क्या कुछ मुख्यमंत्री और अजय माकन की अलग से मीटिंग में अब तक बातें हुई हैं और इस वक्त मीटिंग में क्या बातें हो रही? संजय, देखिए, बड़ा एजेंडा तो वही है जो माकन ने आज सुबह कहा था, मंत्रिमंडल विस्तार, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट और जिलाध्यक्ष। अब किस तरीके से, किस फॉर्मूले पर क्या सहमति बन पाती है, ये देखना महत्वपूर्ण है। हालांकि पहले चारों एक साथ बैठे थे, उसके बाद जानकारी ये मिली है कि सीएम ने अजय माकन से अलग भी बात की है, और अगर अलग बात हुई है तो संभवतः उसमें फिर आलाकमान ने जो फॉर्मूला दिया है उस पर चर्चा हुई होगी। लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होगा। मुख्यमंत्री के नाते मंत्रिमंडल विस्तार में अगर फेरबदल विस्तार होता है तो किस तरीके से हो, कितने लोगों को किस रूप में जगह दी जाए, कौन सा पोर्टफोलियो हो, तमाम बातें हैं। लेकिन एक फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अच्छी बात ये पार्टी के विधायकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के लिए कि बातचीत तो कम से कम शुरू हुई है, और अगर बातचीत शुरू हुई है तो कोई ना कोई रास्ता देर सवेर निकलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई महीने में ही हो जाएगा, अन्यथा फिर थोड़ा विलंब हो सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन बातचीत कर रहे थे पार्टी पदाधिकारियों के साथ, उनके साथ भी पॉजिटिव रवैया था। हालांकि ये जरूर मुद्दा उठा कि परिवारवाद जो है उससे कांग्रेस को मुक्ति देनी चाहिए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो, अपॉइंटमेंट हो, उन्हीं नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाए जिनको बार बार जगह मिलती आ रही है। नए जो पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, जिला अध्यक्षों में भी है और ये बात अपॉइंटमेंट में भी है। तो ये फॉर्मूला उस पर भी निस्संदेह विचार होगा, लेकिन फिलहाल ये बैठक 2 घंटे से जारी है संजय, और अभी भी लग रहा है कि डिनर होगा यहीं पर, और डिनर के बाद भी मंत्रणा जारी रहेगी। कल सुबह अजय माकन 10 बजे होटल मैरियट में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। एक खबर संजय ये अपडेट है कि पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो हो सकता है अजय माकन से अलग से मुलाकात करें। जी बिल्कुल सुशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अभियान कल से शुरू होगा। कल महिला कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में किया जाएगा प्रदर्शन। सभी संभाग और जिला स्तर पर महिला कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। जयपुर में सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर होगा प्रदर्शन। चूल्हे पर रोटी बनाकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता जताएंगे विरोध। सुशांत, इस पूरे मामले पर क्या रणनीति है? देखिए, ये वही अभियान है संजय जिसको लेकर आज बैठक हुई है। कल से 17 जुलाई तक अभियान चलेगा, उसका आगाज कल महिला कांग्रेस के प्रदर्शन के जरिए होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में पार्टी के नेता कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल और कीमतों के खिलाफ सिंबॉलिक तौर पर अपना जो है विरोध प्रकट करेंगे, चाहे वो पेट्रोल पंप पर जाकर हस्ताक्षर अभियान करने की बात हो, साइकिल रैली निकालने की बात हो। कल 11 बजे शहीद स्मारक पर है रेहाना रियाज, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि हमने अजय माकन को निमंत्रण दिया है कि आप जयपुर में हैं तो कार्यक्रम में शिरकत कीजिए। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है वो कल कार्यक्रम में जाएं, हो सकता है नहीं भी जाएं, लेकिन बड़ी संख्या में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कल महिला कांग्रेस चूल्हे पे रोटी बना के कार्यकर्ता जो है वो अपना विरोध प्रकट करने वाले। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो कल से शुरुआत होने जा रही है, बताया जा रहा है कि 7 से 17 तक ये चलेगा, यानी 10 दिन का पूरा कार्यक्रम है, और कल महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस की तरफ से सांकेतिक तौर पर ये प्रदर्शन बुलंद किया जाएगा। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से